हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी 8087 मैथ को प्रोसेसर पिन डायग्राम। तो 8087 को प्रोसेसर पिन डायग्राम देखने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी 8087 को प्रोसेसर का। 8087 फर्स्ट मैथ को प्रोसेसर है जिसको डिजाइन किया है इंटेल ने। इसको पेयर किया जाता है 8086 और 8088 माइक्रोप्रोसेसर के साथ इजियर और फास्टर कैलकुलेशन के लिए। 8087 का बेसिकली यूज किया जाता है कंप्यूटेशनल स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है। 8087 को प्रोसेसर अवेलेबल है 40 पिन आईसी में। 8087 मैथ को प्रोसेसर को हम NDP के नाम से भी जानते हैं, यानी न्यूमेरिक डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। NPX यानी न्यूमेरिक प्रोसेसर एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी कहा जाता है। अब अपन देखते हैं फीचर्स ऑफ 8087 को प्रोसेसर। बेसिकली 8087 मैथ को प्रोसेसर जो है वो इंटेल ने डिजाइन किया फर्स्ट को प्रोसेसर है, जिसका यूज किया जाता है इंक्रीज करने के लिए ओवरऑल स्पीड और सिस्टम की परफॉर्मेंस को। जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो सिंपल ये न्यूमेरिक कंप्यूटेशन होते हैं वो करना को प्रोसेसर का जॉब नहीं है। 8087 को प्रोसेसर सारी कैलकुलेशन करता है जिसमें इन्वॉल्व है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे कि कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है 8087 को प्रोसेसर। इस को प्रोसेसर की हेल्प से जो मेन प्रोसेसर है उसके CPU का बहुत सारा टाइम जो है वो सेव होता है और इस टाइम को और रिसोर्सेस को वो CPU अदर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए लगाता है। अब देखते हैं पिन डायग्राम ऑफ 8087 को प्रोसेसर। जैसा कि मैंने आपको बताया 8087 मैथ को प्रोसेसर 40 पिन आईसी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 40 पिन की आईसी दी हुई है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में 1 से लेकर 20 पिन मेंशन है और राइट साइड में 21 से 40 नंबर की पिन जो है वो मेंशन है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी पिन के इंडिविजुअल फंक्शंस जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं पिन नंबर 1 से, जो हमारी लेफ्ट मोस्ट पिन है। फर्स्ट पिन है ग्राउंडेड, इसके साथ पिन नंबर 20 ये भी हमारी VSS और ग्राउंड पिन है और पिन नंबर 40 ये हमारी VCC पिन है। इन तीनों पिन का यूज किया जाता है पावर सप्लाई कनेक्शन के लिए, जिसमें कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 20 जो है उनको कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से। पिन नंबर 40 जो कि VCC पिन है, इससे हम +5 वोल्ट की पावर सप्लाई जो है वो देते हैं अपने 8087 मैथ को प्रोसेसर को इसके ऑपरेशन के लिए। 8087 को प्रोसेसर जो है उसमें 16 डेटा लाइंस होती हैं और 20 एड्रेस लाइंस होती हैं। इन 16 डेटा लाइन को मल्टीप्लेक्स किया गया है लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन से। तो यहाँ पे आप देखिए पिन नंबर 16 से लेकर पिन नंबर 2 ये हमारी AD0 से लेकर AD14 नंबर की पिन है और 39 नंबर की जो पिन है AD15, यानी जो हमारी लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन है वो डेटा लाइन से यहाँ टाइम मल्टीप्लेक्स्ड है। तो ये जो पिन है वो डुअल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक साइकिल ये पिन कैरी करती हैं एड्रेस को और सेकेंड क्लॉक साइकिल और ऑनवर्ड ये कैरी करती हैं डेटा को। तो ये हमारी पिन हो गई पिन नंबर 16 से लेकर 2 तक और 39 नंबर के पिन के फंक्शन। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी रिमेनिंग हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन है, यानी A16 से लेकर A19 तक की जो एड्रेस लाइन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये मल्टीप्लेक्स है स्टेटस सिग्नल से S3, S4, S5 और S6 से, जिसमें कि S3, S4 और S6 जो हैं ये हमेशा हाई रहती हैं और S5 जो है वो हमेशा लो रहती है। नेक्स्ट हमारी पिन है पिन नंबर 17 और 18, ये NC पिन है यानी नो कनेक्शन पिन। इन पिन को रिजर्व रखा गया है फ्यूचर यूज के लिए। नेक्स्ट 19 नंबर की पिन है, ये हमारी क्लॉक पिन है। क्लॉक पिन एक इनपुट पिन की तरह वर्क करती है, इससे क्लॉक इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई किए जाते हैं 8087 को प्रोसेसर में टाइमिंग प्रोवाइड करने के लिए और सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए।
नेक्स्ट 20 नंबर की पिन आपको मैं बता चुकी हूँ, ये BSS और ग्राउंड पिन है, इससे इसको ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। 21 नंबर की पिन है रीसेट पिन। जब ये पिन हाई होती है यानी लॉजिकल 1 होती है तो इस इनपुट पिन का यूज किया जाता है प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए, यानी इसका यूज करते हैं जितनी भी इंटरनल एक्टिविटी को प्रोसेसर में चल रही है उनको स्टॉप करने के लिए और को प्रोसेसर को प्रिपेयर करने के लिए फ्यूचर एग्जीक्यूशन के लिए अगर CPU को रिक्वायर्ड है तो। तो ये है रीसेट पिन का फंक्शन। नेक्स्ट पिन है 22 नंबर की पिन रेडी पिन। ये हमारी एक इनपुट पिन है, इसका यूज किया जाता है इन्फॉर्म करने के लिए को प्रोसेसर को कि जो बस है वो रेडी है डेटा रिसीव करने के लिए कि नहीं। नेक्स्ट 23 नंबर की पिन है बिजी पिन। बिजी पिन बेसिकली एक आउटपुट पिन है। ये पिन अगर हाई है तो इंडिकेट करती है 8087 को प्रोसेसर जो है वो बिजी स्टेट में है। नेक्स्ट 24 और 25 नंबर की पिन है हमारी क्यू स्टेटस पिन, QS0 और QS1 पिन। इन पिन के फंक्शन में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आइए अपन देखते हैं QS1 और QS0 पिन का क्या फंक्शन है। ये QS1 और QS0 जो है वो क्यू स्टेटस इनपुट सिग्नल पिन है। बेसिकली इनका यूज किया जाता है इंस्ट्रक्शन क्यू के स्टेटस को बताने के लिए कि क्या इंस्ट्रक्शन क्यू का क्या स्टेटस है। एक्चुअली जो इसका इंस्ट्रक्शन क्यू होता है वो 6 बाइट का होता है, वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और क्यू कर लेता है इन इंस्ट्रक्शन क्यू में। तो उसके स्टेटस को बताती है हमारी QS1 और QS0 पिन। तो आइए देखते हैं इनका कॉम्बिनेशन क्या स्टेटस बताता है। अगर इन दोनों पिन का कॉम्बिनेशन 00 है तो नो ऑपरेशन विल बी परफॉर्म, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। अगर 01 है तो फर्स्ट बाइट ऑफ ऑप कोड फ्रॉम द क्यू, क्यू से फर्स्ट बाइट ऑप कोड की ली जा रही है। अगर 10 है एम्प्टी द क्यू, मतलब क्यू एम्प्टी है इस टाइम पे खाली है। 11 है तो सब्सक्वेंट बाइट फ्रॉम द क्यू, क्यू से सब्सक्वेंट बाइट जो है वो ली जा रही है। तो ये स्टेटस है QS1 और QS0 का। अब नेक्स्ट 26, 27, 28 नंबर की पिन है हमारी S0, S1, S2 पिन। ये भी स्टेटस सिग्नल पिन है, इनको भी मैं डिटेल में बताती हूँ आपको। तो तीन स्टेटस सिग्नल है हमारे S0, S1, S2। ये बेसिकली स्टेटस सिग्नल्स हैं। ये स्टेटस बताते हैं जो भी प्रोसेसर करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका स्टेटस बताते हैं, जिसका यूज करके 8087 मैथ को प्रोसेसर जो है वो जनरेट करता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिग्नल्स। तो देखते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन क्या स्टेटस बता रहे हैं। अगर 0 क्रॉस क्रॉस है तो उसका मतलब है अनयूज्ड। 100 है तो स्टेटस है अनयूज्ड। 101 है तो मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। 110 है तो मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। 111 है तो ये एक पैसिव स्टेट है। नेक्स्ट 29 और 30 नंबर की पिन है हमारी NC पिन। NC मतलब नो कनेक्शन पिन। इनका इनको रिजर्व रखा है फ्यूचर यूज के लिए। नेक्स्ट 31 और 33 नंबर की पिन है हमारी रिक्वेस्ट और ग्रांट पिन, RQ/GT0 और RQ/GT1 पिन। ये जो दोनों पिन है वो रिक्वेस्ट ग्रांट पिन है, मतलब जो 8087 है वो सेम बस को, क्लॉक सिग्नल को और इनपुट आउटपुट सिस्टम को यूज करता है 8086 के। लेकिन अगर कभी 8087 को इन इनपुट आउटपुट सिस्टम या क्लॉक सिग्नल या बस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एक रिक्वेस्ट सिग्नल जनरेट करता है 8086 को। अगर 8086 के पास वो इनपुट आउटपुट सिस्टम या बस जो है वो अवेलेबल है, फ्री है, तो 8086 उसके रिस्पांस में उसको ग्रांट सिग्नल जो है वो जनरेट करता है 8087 के लिए। तो इसीलिए यूज की जाती है ये रिक्वेस्ट और ग्रांट पिन। नेक्स्ट 32 नंबर की पिन है INT। INT मतलब इंटरप्ट सिग्नल्स हैं ये। अगर ये पिन हाई है तो उसका मतलब है कि अनमास्क्ड इंटरप्ट सिग्नल जो है वो रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट 34 नंबर की पिन है BHE/S7। ये बस हाई इनेबल पिन है जो कि मल्टीप्लेक्स्ड है स्टेटस सिग्नल के साथ। ये जो बस हाई इनेबल पिन है अगर ये एक्टिव लो है तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में जो डेटा है वो अवेलेबल होगा हायर ऑर्डर एड्रेस और डेटा लाइन में, और अगर ये पिन हाई है
जो स्टेटस सिग्नल है वो एड्रेस और डेटा लाइन में अवेलेबल होंगे। अब पिन नंबर 35 से लेकर पिन नंबर 38 के फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। पिन नंबर 39 का भी फंक्शन ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। पिन नंबर 40 ये VCC पिन है जिसका यूज़ किया जाता है पावर सप्लाई के लिए, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखे सारे पिन के इंडिविजुअल फंक्शन।